हमारा सपना था कि हमारा एक घर हो अपना, तो बाबा की कृपा से हमें घर भी बहुत सुंदर सा हमने घर भी लिया है। और एक तो सबसे बड़ा संकल्प ये था कि गुरुजी मैं 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। लास्ट ईयर आपने बोला था कि अब सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, अब सब अच्छा होगा। लास्ट मंथ में दीक्षा ले रही थी, तंत्र दीक्षा 2nd लेवल, तो मुझे दरबार में ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ, तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत मेरी 7 साल की तपस्या थी और बाबा माँ की कृपा से ही पूरी हुई है, तो उसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ आपकी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं प्रीति गुप्ता नोएडा से आई हूँ। गुरुजी मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई और मैं। गुरुजी मुझे आपसे कहना है कि मुझे दरबार मिला, आप मिले, बाबा माँ मिले, हमें जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई, मतलब सब कुछ मिल गया है हमें। मेरे पास दरबार का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, मतलब शब्द कम है, इतना कुछ दिया है दरबार ने हमें। मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम 4 लोग आए थे तो हम बिल्कुल मृत अवस्था में आए थे, बाबा माँ ने हमें नया जीवन दान दिया है, हम मतलब हर क्षण जो सांस ले रहे हैं उसके लिए भी हम बाबा माँ के आभारी हैं। और दूसरा कि हमारा सपना था कि हमारा एक घर हो अपना, तो बाबा की कृपा से हमें घर भी बहुत सुंदर सा हमने घर भी लिया है। और एक तो सबसे बड़ा संकल्प ये था कि गुरुजी मैं 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। लास्ट ईयर आपने बोला था कि अब सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, अब सब अच्छा होगा। लास्ट मंथ में दीक्षा ले रही थी, तंत्र दीक्षा 2nd लेवल, तो मुझे दरबार में ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ, तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत मेरी 7 साल की तपस्या थी और बाबा माँ की कृपा से ही पूरी हुई है, तो उसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ आपकी। और दो क्वेश्चन है मेरे पास। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा बोलो। गुरु जी पहला ये कि मेरे को व्हाइट स्पॉट्स हैं बॉडी में, तो वो मतलब मुझे किसी के भी सामने, जब सामने से लोग पूछते ना क्या हो रहा है तुम्हारे फेस पे, क्या है हाथों में, क्या है, तो मुझे बहुत हीन भावना का सामना करना पड़ता है। आंखें बंद करो, अपने सफेद दाग पर ध्यान करो, जो लोग बोलते हैं वो ध्यान करो, जो सफेद दाग शरीर में हुए हैं उनकी स्मृतियां सदा सदा के लिए नष्ट कर दी हैं। प्रहार, यदि अपने जो सफेद दाग को देखें कभी तो इनको आत्मविश्वास इनका खूब बढ़ा है, उसकी देख देख करके होने वाली हीन भावना नष्ट कर दीजिए, उनका हमेशा भाव बना रहे ये स्वस्थ होंगे, ये नष्ट होंगे दाग, सभी दाग त्वचा के रूप में बदल दिए जाएं, स्वस्थ त्वचा के रूप में गंदगी नष्ट की जाए। प्रहार, अशुद्ध रक्त शुद्ध कर दिया जाए। प्रहार, जो उनकी ओवरी ऑटो इम्यून हो रही, ऑटो इम्यून की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए ओवरी। प्रहार, शुद्धि, इसलिए शरीर आगे रखा जाए। ओम जलावचर नष्ट कर, प्रहार और सुंदर बना दिया जाएगा। कब्जा संतोषी का श्राप नष्ट किया जाए। स्तंभित, जो स्वयं का चेहरा अच्छा नहीं लगता शीशे में देखने में, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, शरीर निकाल के नष्ट करके सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू गुरुजी। जरा मोबाइल खोल के चेहरा देखो अपना, अब कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा नहीं लगता ना। और गुरुजी सेकंड थिंग कि पेरेंट्स ना भाई की शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लड़कियां ही पता नहीं क्या ही हो रहा है। अब हो जाएगी, हो जाएगी, थैंक यू गुरुजी। एक छोटी सी बात और गुरुजी, मम्मी को ना हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, खुजली की कभी कुछ नहीं रहेगा। वो क्या हो रहा था कि आपके यहाँ एक स्मृति थी जी, ऑटो इम्यून हो रही थी जो ओवरी है जी जी, उसके कारण त्वचा में कष्ट आते थे जी जी। अभी दरबार ने वो स्मृति नष्ट की है, ठीक है जी। कल महावन जरूर कर लेना, दरबार से कराया जाता है। थैंक यू। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न।
हाँ बेटा एक मिनट आना जरा, एक बड़ी चीज रह गई। आंख बंद करके जो जो लोग डीएनए में सबको देखो जरा एक बार। माँ मिला दिया जाए पूरे रक्त। नींबू ध्यान करो, नींबू मिला दिया जाए पूरे रक्त, पूरे रक्त मिला दीजिए। माँ में, इनमें, भाई में, पिता में, सब मिला दीजिए, फैला दीजिए शुद्धि। संतोष की गंदगी हटाई जाए। तीन बार बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खूब खुश हो।